Assalamu alaikum, dear students. How are you today? I have come with the topic magic balloons from your junior English book, page number 24. Before uh, starting the lesson, magic balloons, I would like to introduce some words from the story. The first one is blow, blow means create air. ब्लो इज एन एक्शन वर्ड इट मीन्स के थ्रो uh, एयर हवा फेंकना हवा निकालना आ इधर टू ब्लो द कैंडल के मोमबत्ती को भुझाते हैं तो मोमबत्ती ब्लो द कैंडल uh, और जब हम बिलून में हवा डालते हैं तो तब भी हम यही कहते हैं ब्लो द बिलून इट मीन्स क्रिएट एयर के एयर क्रिएट करना ओके द सेकेंड वर्ड इज़ आर यू बी रब रब मीन्स दैट अप्लाई प्रेशर टू द सर्फिस बिल्कुल उसी तरह के लाइक like, विंटर में दैट यू रब योर हैंड्स आप अपने हाथों को एक दूसरे से रब करते हैं ओके okay? या फिर uh, आप स्टोरी में पढ़ेंगे कि यू रब द बलून विद योर स्वेटर कि आप स्वेटर से या कोई बुलिन जो आपने वेयर किया हुआ है उससे रब करना बलून को रब करना ओके द नेक्स्ट वर्ड इज़ फर्म फर्म मीन्स दैट स्ट्रोंगली फील दिस इज एन एजेक्टिव और पक्का फर्म स्ट्रोंगली स्ट्रोंग फर्म नॉट पक्की नाट ठीक है नोट का मतलब होता है गिरा जैसे आप अपने शूज के लेसेस में नाट बांधते हैं द टाइग नाट टाइगोर नॉट इस तरह ठीक है मैजिक प्रैक्टिस ऑफ बिलीव आपको पता है मैजिक क्या होता है ठीक है टॉन इज द पास ऑफ टीयर एंड टीयर मीन्स टू पीस विद फोर्स के छोटे छोटे टुकड़ों में उसको uh, टेयर करना फाड़ देना बलून स्टिक वूल एंड पावर ठीक है ऑल दीज वर्ड्स आर फ्रॉम योर लेसन मैजिक बलून्स नाउ वी कम टू द स्टोरी आई रीड द स्टोरी ऑफ मैजिक बलून्स एंड प्लीज यू विल ऑल्सो Practice for reading, okay. Magic Balloons. This is not uh, only the story, this is a kind of experiments you can do, okay. You will need two balloons, a little sugar, and a sheet of paper torn into small pieces. आपको ये दो लाइन समझ में आई कि आपको दो बलून्स चाहिए अ लिटिल शुगर चाहिए थोड़ी सी शुगर चाहिए एंड अ शीट ऑफ पेपर पेपर की एक शीट टॉन टॉर्न का मतलब फटी हुए फटे हुए छोटे पीसेस में वो पेपर शीट नंबर ना व्हाट यू विल डू आफ्टर हैविंग ऑल दीज ब्लो अप द बलून्स यू मे नीड एन एडल्ट टू हेल्प यू डू this okay tie the end of each balloon into a firm knot do you know what is the meaning of number one that first you have to blow up the balloons you may need an adult to help you do this एडल्ट किसको कहते हैं एडल्ट किसी बड़े को कहते हैं आपके बड़े बहन भाई मम्मा या बाबा को ठीक है आपको आप उनकी हेल्प ले सकते हैं ऐसा करने के लिए टाई द एंड आपने बलून को ब्लो करने के बाद उसके एंड पर एक फर्म नोट एफ आई आर एम फर्म के एन ओ टी नॉट ठीक है के इज साइलेंट के साउंड नहीं है और ये नॉट है और फर्म का मतलब टाइट अच्छी से आपने एक नॉट बांध दी बेलून को ब्लो करने के बाद नंबर टू नाउ रब हार्ट अगेंस्ट योर स्वेटर ओहो करना है आपने को जो आपने स्वेटर पहना है उससे रब करना है द ट्रिक वर्क बेस्ट और फिर ऐसा करने से ये तो बड़ी अच्छी ट्रिक होगी इफ द स्वेटर यू आर वेरिंग इज मेड जी ये ट्रिक किस वक्त बेस्ट होगी जब आपने जो स्वेटर पहना है वो वूल का बना हुआ है नंबर थ्री होल्ड वन बेलून जस्ट अब पीसेस ऑफ पेपर पता है क्या करना है आपको उस बलून को जिसको आपने अपने स्वेटर से रब किया है उस बलून को आपने वो जो टॉन पीसेस ऑफ पेपर है पेपर के जो वो फटे हुए पीसेस नहीं है कागज़ की शीट के उसके ऊपर रखना है वट हैपन्स यू नो वट हैपन्स पता है क्या होता है क्या होगा ये आप बताएंगे क्या होगा ठीक है देन ट्राई होल्डिंग अ बलून जस्ट सम शुगर और फिर वही बलून विद योर स्वेटर कीप ऑन शुगर शुगर जो थोड़ी सी आपने ली थी उसके ऊपर भी रखेंगे बलून को द बलून पिकअप द टॉन पीसेस ऑफ पेपर आपको पता है बलून्स क्या करेगा जो पीसेज ऑफ पेपर है नए टुकड़े टुकड़े पीसेस है पेपर के उसको वो बलून पिकअप कर लेगा उठा लेगा एंड शुकर और शुगर को भी एज इफ बाय मैजिक डू यू नो कि यह क्या हुआ ये एक मैजिक हुआ ना रबिंग अ बलून अगेंस्ट वूल चार्जेज एट विथ स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी ओ माई कॉड आपको पता है क्या हुआ बलून को रब करने से वो जो आपने वूल से जो रब किया था उससे क्या चार्ज हुआ स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी चार्ज हुई और इस इलेक्ट्रिसिटी के चार्ज होने से बलून ने वो पीसेस ऑफ पेपर और शुगर को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया कि वो उसे आके जी स्टक हो गए दिस गिव्स द बलून इनफ मैग्नेटिक पावर ओहो इस तरह रब करने से बलून को क्या मिला Magnetic power, lead to pick up very light things, to pick up very light things, like there is the fleet of ships in the sea because paper is very light thing, and sugar is also. It also makes the paper and sugar to the balloon. Okay. Most things contain static electricity. You cannot see it, but you can rub it off. One thing and onto another thing making it static is this clear yes really the balloons are magic balloons okay read the story carefully and try to do the same by yourself is this clear this is all for today. Thank you very much class. Allah Hafiz.